अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी पैसे नहीं लगते। सो ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। तो सो गाइस, आपको पता होगा कल के दिन एक प्रेस रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसमें 118 चाइनीज एप्स बैन कर दिए गए थे इंडिया में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जो कि है कि इंडिया में अब पबजी बैन नहीं होगा। और गाइस, जिसको भी डाउट है तो मैं उनका पूरा डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो गाइस, ये आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और गाइस, जो पबजी खेलता है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। तो गाइस, आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर में पबजी क्यों बैन नहीं होगा इंडिया में। अब तो गाइस पूरी वीडियो को देखना लास्ट तक, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। आप में से जो कि आप में से कुछ मैक्सिमम लोगों को लग रहा था कि इंडिया में पबजी परमानेंट बैन हो गया, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी नहीं दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। पबजी पर परमानेंट बैन नहीं लगाया गया है। इंडिया में पबजी पर जो धारा लगाई गई है दोस्तों, वो धारा है 69 है। और दोस्तों, इस धारा के तहत एंट्रेंस बैन लगाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर रीजन जो है नेशनल सिक्योरिटी, और यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा कंसर्न है। और दोस्तों, डाटा में कंसर्न की वजह से यहाँ पर पबजी पर बैन लगाया। और दोस्तों, हमारे बॉर्डर पर अभी आपको पता है दोस्तों लद्दाख में क्या हो रहा है। और दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पबजी को बैन लगाने के लिए। और दोस्तों, ये सारे चाइनीज एप्स इंडिया में बैन होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों, एंट्रेंस बैन लगाया गया है, परमानेंट बैन नहीं लगाया है। तो अगर आप ये सब सोच रहे हो तो ये सब बातें दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। एंड दोस्तों, यही सेम चीज टिकटॉक और 59 चाइनीज एप्स पर भी यही धारा लगाई गई थी 69 ने। और दोस्तों, ये सारे 118 एप्स पर भी यही धारा लगाई गई है 69A। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में पबजी क्यों बैन नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको नहीं पता है तो जो पबजी टाइप वो है टीसेंट के साथ। और दोस्तों, टीसेंट जो है वो चाइना का है। और दोस्तों, 10% शेयर पबजी के साथ है, यानी टोटल 10%। अब यहाँ पर पबजी टीसेंट के साथ अपना पूरी तरीके से रिलेशन तोड़ देगा। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं तो उनके साथ ज्वाइन होगा और वो चॉइस करेगा उनके साथ, और उनके साथ मिलकर काम करेगा। दोस्तों, यही रीजन है पबजी को बैन करने का, क्योंकि उसका कनेक्शन चाइना के साथ हो रहा था, और जिसकी सबसे बड़ी वजह है टीसेंट। तो अब वो टीसेंट को लीक करेगा और किसी अदर कंपनी के साथ काम करेगा। दोस्तों, उसके बाद पबजी इंडिया में वापस आ जाएगा दोस्तों। और बहुत सारे लोग डर रहे थे कि पबजी इंडिया में बैन होगा है, पबजी इंडिया में बैन होगा है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में पबजी के 33 मिलियन यूजर है। तो इंडिया में पबजी बैन हो जाता है तो पबजी का कितना सारा लॉस होगा। तो गाइस, मैं आज की इस वीडियो में आपको यही गुड न्यूज देना चाहता था कि पबजी बैन नहीं होगा, इस पबजी जल्दी वापस आएगा। और गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरी वीडियो देखता है, और गाइस जो मेरी वीडियो देखता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो नहीं किया, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। गाइस, मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज लाता रहूंगा, आप बस बेल आइकन ऑन कर दीजिए। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। Thank you.